मैं आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हम करेंगे चेस ट्रेन। सो मैं यूज़ करता हूँ फ्रीक प्री वर्कआउट। ये आपकी ऑल ओवर स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है एंड वर्कआउट में हेल्प करता है। देन आपको लास्ट वार्म सेट पुशअप सेट लेने हैं, ओनली टू सेट्स। इसके बाद हम अपना जो वर्कआउट है स्टार्ट करेंगे। इस वर्कआउट जो ग्रिप है पुशअप्स की, वो शोल्डर की थोड़ा सा आउट लेनी है बस, एंड स्ट्रेट हल्का सा आगे, देन डाउन, देन पुश, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, डन। दो सेट लगाने, अब स्टार्ट करते हैं हम वर्कआउट। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रिप जो है शोल्डर के हर कैसे बाहर लेनी है आपके अनुसार, देन सेट पूरी ग्रिप ऐसे, एंड चेस्ट अप टाइट, होल्ड, push, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14 and 15। इसके आपको चार सेट लगाने हैं ओवरऑल, 15, 12, 10, 8। तो ये मेरा फोर्थ सेट है, लास्ट सेट 6 रैप्स ऑन। हमारी सेकंड एक्सरसाइज का नाम है डंबल प्रेस। सो इसके हम भी हम फोर सेट्स लेंगे। तो मैं पहले सेट करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। स्लो डाउन, देन पुश, स्लो डाउन, देन पुश, स्लो डाउन, देन thank you.
सो फर्स्ट सेट डन, 3 सेट्स और लगाने, मिलते हैं एंड के सेट में। सो लास्ट सेट 6 to 8 reps इसमें क्लियर करेंगे, देखते हैं। फेलियर। सो अब चलते हैं हम नेक एक्सरसाइज पे। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है इंक्लाइन केबल फ्लाई, और हम इसके भी 4 सेट लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेट में। भाई वो देखा, ये हमारा भाई सपोर्ट सिस्टम पीछे है, फुल बच्चों इंसान है। सो केबल यहाँ ऊपर, यहाँ भी इधर स्टार्ट करते हैं। जब केबल नीचे आएगी एल्बोज बैंड होगी, डाउन 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 डाउन, ज़्यादा डाउन भी नहीं करनी, बस देन पुश होल्ड 1 2 3 एंड डाउन। चेस्ट आपको एकदम टाइट रखना है। इसको हम आप जो डंबल होते हैं उनसे भी लगा सकते हैं, बट मैं केबल से लेता हूँ रिकॉर्ड, बिकॉज ये मेरे ज़्यादा इफेक्टिव है। सो आप डंबल से भी ले सकते हैं, आपका आप इसे नहीं कर पाते तो डंबल से ले सकते हैं। सो या आप मिलते हैं एंड के सेट में। सो लास्ट सेट 6 to 8 reps, देखते हैं कितने आते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो याद एक्सरसाइज कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। इसका नाम है क्रॉसओवर। सो स्टार्ट करते हैं। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है केबल क्रॉसओवर। सो इसके हम 3 सेट्स लेंगे, 15 12 10। सो पहला सेट मेरा हो चुका है, ये मेरा सेकंड सेट है। तो केबल से ज़्यादा आगे नहीं आना है, सिर्फ 1 स्टेप, 1 डाउन, और मिरर में देखना, मिड सेक्शन में खड़े हो। Start. Slow down. Then hold 1 2 3 and up. से लगाओगे तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है तेज़ की, इसमें आपका एक्सरसाइज जो चेस्ट है वो बिल्कुल पंप हो जाएगा। सो या
कंसेंट्रेट करो एक्सरसाइज पे, फोकस रहो। सो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है पुल ओवर, डंबल पुल ओवर। सो इसके हम 4 सेट्स लेंगे, 15, 12, 10, 8। स्टार्ट करते हैं। जो हिप होगी वो डाउन होगी, ऐसे नहीं, ऐसे होगी बिल्कुल। डंबल पीछे, बैक आर्च, चेस्ट अप, कम, एल्बो स्ट्रेट, वन। फोर सेट्स, 15, 12, 10, 8। मिलते हैं एंड के सेट में। हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज का लास्ट सेट है ये, तो स्टार्ट करते हैं। वेट थोड़ा हैवी है, देखते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये होगी हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, सॉरी वीडियो भी नहीं, लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारी। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो हमारी लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज है चेस्ट डिप्स। तो इसके हम सिर्फ 2 सेट लेंगे, 10-10 के। तो स्टार्ट करते हैं। एल्बोस अंदर लगे लॉक, निकल चुके हैं। आप कैसे निकलते हैं? सो हम मिलते हैं एंडिंग में। सो हमारा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, एंड चलते हैं एंडिंग पे। स्ट्रेचिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो वर्कआउट के बाद प्लीज़ आप स्ट्रेचिंग करा करो। हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। हैंड मूवमेंट, 5 सेकेंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, देन 1, 2, 3, 4, 5, राइट। Then cross, easy, cross, 1, 2, 3, 4, 5, left, होगा ये। आप मूव कर सकते हो ऐसे ऐसे, डाउन एंड बैक की स्टेचिंग। तो हमारा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। अब हम आपको दिखाएंगे चेस्ट का पंप एक्सरसाइज के बाद, इस शेड्यूल के बाद क्या पंप आता है चेस्ट के अंदर, वो आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पंप चेस्ट का। सो दिस इज योर पंप। तो ये पंप पूरा देख सकते हो, अपर चेस्ट पूरा पंप हो रखा है। तो एंड करते हैं यहीं पे इस ब्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ शेयर करो. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय, स्टे सेफ.